तो नॉइज ने कर दिए हैं एक बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च, और ये है बर्ड्स VS401, और इनका जो प्राइस है वो काफी अच्छा है, काफी 1500 के अंदर आते हैं ये ईयरफोन्स। और शुरू करेंगे इनकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस, और मेन हम टेस्ट करेंगे क्योंकि ये बजट प्राइस में है, तो क्या इनकी जो परफॉर्मेंस है, साउंड आउटपुट है, वो बजट वाला है या फिर उससे अच्छा है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स, और बॉक्स में ले सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स है, वो है अप टू 50 आवर्स प्लेबैक टाइम, कोड माइक विद ENC, लो लेटेंसी अप टू 50 मिलीसेकंड्स। तो एक गेमिंग मोड काइंड ऑफ इसमें है, वो है 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी आपको मिल रही है। और हमारे पास यहाँ पर इसकी ईयरफोन्स की पिक्चर है, और ये वाला जो वेरिएंट है वो है जेट ब्लैक में। इसके अलावा जो हमारे पास एक और है, और यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन कलर में भी अवेलेबल है। इन दोनों कलर के अलावा नॉइज ने इसको दो और कलर में लॉन्च किया है, और वो है पर्पल लाइलैक कलर का है, और एक बेज कलर का भी है, जो आप इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अगर बात करें इसके MRP की, तो जो MRP है वो है 3499। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो ईयरफोन्स है वो आने वाले हैं बजट प्राइस के अंदर, और इनका जो लॉन्च प्राइस है वो है जस्ट 1299। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के कॉन्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले में मिल जाते हैं चार्जिंग केस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जो है हमारे पास ब्लैक कलर में है, तो इसका जो चार्जिंग केस है वो भी आप देख सकते हो ब्लैक कलर में है। और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है कि इसमें जो आपको ये मैट फिनिश दे रहे हैं ये काफ़ी अच्छी है, एंड ईयरबड्स इसके अंदर ही हैं, तो एक बार इसको साइड में रखकर देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बाकी बॉक्स में मिल जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर आपके पास एक वेलकम कार्ड है, उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है अनलॉक गाना फॉर फ्री। तो यहाँ पर आई थिंक आपके पास गाना जो है वो कुछ मिल रहा है आपको फ्री, तो मैं तो इसे यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने यूज़ कर लिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या ये चल रहा है नहीं चल रहा। बाकी इसमें आपको मिल जाती है इसकी यूज़र मैनुअल, एंड एज यूजुअल हमें यहाँ मिलते हैं कुछ नॉइस के स्टिकर्स। तो बॉक्स में आपको एक ये छोटा सा मिनी बॉक्स और मिल जाता है, तो आई थिंक इसमें इसके आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी, और इसके जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं वो मिल जाएंगे, तो एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यस, यहाँ पर इसकी आपके पास इसकी चार्जिंग केबल है, और ये एक टाइप सी चार्जिंग केबल है, तो टाइप सी पोर्ट मिल रहा है आपको इस बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन में, विच इज़ गुड। और बाकी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं इसके ये ईयर टिप्स, तो आपके पास ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, और ये कुछ ब्राउन से कलर में है, और ये लार्ज और स्मॉल साइज में है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो गाइज, ये थे बॉक्स के कॉन्टेंट, अब जल्दी से देखते हैं हमारे ईयरफोन्स को। तो ये है नॉइज़ बर्ड्स VS401, और इसका जो सबसे पहले चार्जिंग केस का जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एंड जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे लगता है बजट प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास एक ये काइंड ऑफ स्क्वायर सी लुक है, बट आई कर्व्ड है, और यहाँ पर आपके पास एक लाइन जा रही है, ये ग्लॉसी लाइन जा रही है जो पूरे के पूरे इसके चारों तरफ है, एंड ऊपर की साइड आपको एक नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ फ्रंट में दो चीज़ हैं, तो एक तो है इसकी LED की स्टेटस लाइट, और यहाँ पर है इसका टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, और पीछे साइड आप यहाँ पे कुछ डिटेल देख सकते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चार्जिंग केस की कैपेसिटी, वो है 500 mAh, और इस चार्जिंग केस की से आप इसके जो ईयरबड्स हैं उनको अराउंड 50 आवर्स यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। अब बात करें इसके ईयरबड्स की, तो सबसे पहले चार्जिंग केस जो है आप इसको सिंगल हैंड से नहीं ओपन कर सकते, तो सिंगल हैंड से इसे ओपन करना मुश्किल है, तो आपको इसको दोनों हाथ से ओपन करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन करते ही यहाँ पे एक LED लाइट जल गई, एंड ओपन करने के बाद ये हैं हमारे ईयरबड्स, और जो ईयरबड्स हैं इनके ऊपर भी एक स्टेटस LED लाइट यहाँ से आप देख सकते हो जल रही है। और यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो LED है ये ब्लिंक हो रही है, तो इन ईयरबड्स के साथ आपको हाइपर सिंक का सपोर्ट मिलता है। तो हाइपर सिंक ये है कि जैसे ही आप इसका ये केस को ओपन करोगे, ये ईयरबड्स अवेलेबल हो गए आपके पेयर करने के लिए, तो आपको ईयरबड्स को निकालना नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी क्विक पेयरिंग का ऑप्शन जो मुझे लगता है ये अच्छा है, और इन बजट ईयरबड्स में मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और अब देख लेते हैं हमारे ईयरबड्स को, तो यहाँ पर हमारे पास जो ईयरबड्स हैं वो एक इन ईयर स्टाइल ईयरबड्स हैं, और इनका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले बताया कि फ्रंट में आपके पास एक LED लाइट है, और यहाँ पर दिख रहा है नॉइस की ब्रांडिंग। उसके अलावा यहाँ पर ये एक जो ऊपर का पोर्शन है ये एक टच सेंसिटिव पैनल है, तो इससे आप इसका जो कंट्रोल कर सकते हो, इसको म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, या फिर बाकी जो इसके कंट्रोल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास इसके ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और बाकी आप इसमें राइट और लेफ्ट का जो मार्किंग लिखी है वो देख सकते हो। एक्चुअल में जो ये डिज़ाइन है ये ईयरबड्स का मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट ये ईयर टिप्स का जो कलर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा मटमैला सा लग रहा है। और अगर बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमें मिलता है 10mm का ड्राइवर, और ये जो ईयरबड्स हैं वो ENC भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जिसे कहते हैं वो है ये। और इससे क्या होगा कि अगर आप जब वॉइस कॉल्स अगर आप ले रहोगे तो बाहर की जो वॉइस है नॉइजेस है वो ज़्यादा नहीं आएगी वॉइस कॉल लेते हुए, तो उसे हम आगे टेस्ट कर लेंगे। और जो ब्लूटूथ वर्जन इस ईयरबड्स का है वो है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, एंड जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हाइपर सिंक अभी सपोर्ट करते हैं ईयरफोन,
और 10 मिनट के चार्ज पर आपको 200 मिनट का इसमें प्लेबैक टाइम मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। तो इंस्टा चार्ज का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल रहा है। और एक और चीज, ये जो ईयरबड्स हैं वो IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप इजिली इन्हें अपने जिम में वर्कआउट के टाइम पे पहन सकते हो, या फिर काइंड ऑफ स्प्लैश नॉर्मल रेन वेन हो स्प्लैश हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब कर लेते हैं इन ईयरबड्स को पेयर अपने फोन के साथ। और जैसे मैं आपको पहले बोला कि पेयर करने के लिए जस्ट आपको करना होगा केस को ओपन, और यहाँ पर ये जो LED लाइट है ये ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। और अब जस्ट यहाँ पर अगर आप पेयर न्यू डिवाइस पे जाएंगे तो आपके पास ये नॉइज बर्ड्स VS401 जैसे यहाँ दिख रहे हैं, ये हो गए अवेलेबल पेयर के लिए। तो ईयरबड्स हमारे पेयर हो गए, और यहाँ पर आप इनकी जो अवेलेबल बैटरी है वो ऊपर चेक कर सकते हो। और बात करें अगर इसके कोडेक की, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कोडेक की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही है। इसके अंदर आपको HD ऑडियो भी नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पर यूजली दिख जाता है, तो वो मुझे नहीं दिख रहा इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस टेस्ट करने से पहले इनके एक बार टच कंट्रोल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टच कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सिंगल टैप करोगे राइट वाले में तो वॉल्यूम यहां से आप इंक्रीज कर सकते हो, और अगर करते हो आप लेफ्ट वाले पे टैप तो यहां से आपकी जो वॉल्यूम है उसे आप डिक्रीज कर सकते हो। डबल टैप अगर कोई भी आप ईयरफोन पे करोगे तो उससे आप सॉन्ग को पॉज एंड प्ले कर सकते हो। अगर आप करते हो ट्रिपल टैप राइट वाले ईयरबड को तो आप जो नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम ट्रिपल टैप यहां करते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो रहा है, और वापस अगर ट्रिपल टैप करते हो लेफ्ट ईयरबड पे तो जो प्रीवियस सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं डिफरेंट मोड्स की। तो इस ईयरबड में आपको एक लो लेटेंसी मोड मिल रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला काइंड ऑफ गेमिंग मोड भी है वो। और इसको इनेबल करने के लिए अगर आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कोई भी ईयरबड पे करोगे तो यहाँ पर ये एक आपको एक साउंड प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि वी फाइट, या उसका मतलब है कि यार गेम मोड आपका ऑन हो गया, और गेम ओवर बोलेगा तो मतलब गेमिंग मोड से आप बाहर हो गए हो। और गूगल असिस्टेंट और सीरी का सपोर्ट भी आपको इन ईयरबड से मिलता है, तो अगर आप करते हो चार टाइम प्रेस किसी भी ईयरबड में तो गूगल असिस्टेंट और सीरी को आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल असिस्टेंट हमारा ऑन हो गया है, और यहाँ से आप इसको फिर एक्सेस कर सकते हो। तो अब चेक कर लेते हैं इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस की, तो इनको एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी कि इन ईयरबड्स का जो पैसिव नॉइज कैंसिलेशन है वो भी अगेन बहुत अच्छा है। काफी जो इनका ये फिट एंड फिनिश है इनकी वो मुझे अच्छी लगी, मेरे ईयर्स पे मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। और मैं अभी इस टाइम लार्ज ईयर टिप्स यूज कर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इसका पैसिव कैंसिलेशन काफी अच्छा है, मेरे लिए तो काफी अच्छा है। तो अब कुछ देर इससे म्यूजिक सुन लेंगे और कुछ वीडियोस भी चेक कर लेंगे, तो देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बताता हूं मैं आपको कुछ देर में। तो 15-20 मिनट मैंने इनसे कुछ म्यूजिक सुना। एक्चुअल में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छी लगी, बजट प्राइस होते हुए 1299 के अंदर भी मुझे लगता है कि इनकी जो आवाज़ है इन ईयरबड्स की वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। बेस अच्छा खासा है इसमें, इवन मैं बोल सकता हूँ कि बेस मेरी प्रेफरेंस से थोड़ा ज़्यादा ही इसके अंदर। अगर आपको बूमी बेस पसंद है तो आई एम श्योर आपको ये ईयरबड्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। बाकी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इसका डिसेंट है, ट्रेबल जो है इसमें हाइज आप बोल सकते हो वो भी ठीक है। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ये बेस हैवी ईयरफोन्स हैं, तो जो बूमी बेस आजकल लोगों को पसंद आता है मुझे लगता है उनके हिसाब से ये ईयरफोन्स इन्होंने नॉइज ने ये लॉन्च किए हैं। मेरा प्रेफरेंस इतना ज़्यादा बूमी बेस का नहीं होता है, तो मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था। तो अब बारी आ गई है गेमिंग टेस्ट करने की। तो जैसा इसके अंदर एक लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी अवेलेबल है, तो 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी जैसा नॉइज क्लेम कर रहा है वो इसके अंदर है या नहीं है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब एक बार मैं गेम ऑन कर लेता हूँ, और आजकल तो BGMI वैसे भी आ गई है, तो ऐसे लो लेटेंसी ईयरबड्स की डिमांड मुझे लगता है अब तो काफी होने वाली है। तो मैं भी BGMI ऑन कर लेता हूँ और देखता हूँ कैसी है इनकी परफॉर्मेंस, और एक बार आपको सुना भी दूंगा कितनी इसकी लेटेंसी है विदाउट गेमिंग मोड ऑन और ऑफ में। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार मैं आपको पहले इसका नॉर्मल जो विदाउट इसका जो गेमिंग मोड है एक बार आपको उसका आउटपुट सुना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ फायर पे, जैसा आप देख सकते हो काफी ज्यादा लेटेंसी है इसके अंदर, अराउंड 100-150 के से ऊपर ही होगी, ईजिली होगी 150 से ऊपर इसमें विदाउट गेमिंग मोड। तो एक बार गेमिंग मोड भी इसे ऑन कर लेते हैं। तो गेमिंग मोड ऑन हो गया है, और तो जैसा आपने सुना गेमिंग मोड को ऑन करते ही जो लेटेंसी है स्पेशली BGMI में वो काफ़ी कम हो गई। तो अराउंड गेमिंग मोड के बिना 150 से ऊपर मुझे लेटेंसी इसमें दिखी, बट गेमिंग मोड के ऑन करते ही 50-60 मिलीसेकंड इजीली मैं कह सकता हूँ आपको लेटेंसी के अंदर मिल रही है, विच इज़ अगेन गुड। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ और, तो इन ईयरबड्स को यूज़ करके मैंने कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब पर भी और नेटफ्लिक्स पे भी, वहाँ पर भी मुझे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट लगी। थोड़े से बेस हैवी हैं तो थोड़ा डायलॉग क्लैरिटी कहीं ना कहीं कभी कभार मुझे लगा थोड़ा कम था, बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, और
बजट प्राइस के होते हुए मुझे लगता है कि इनके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो गाइज ये थे नॉइस के बर्ड्स VS401, एक बजट ट्रू वायरलेस ईयर बर्ड्स, और इनका जो प्राइस है वो है 1299। उसके हिसाब से आपको इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके चार्जिंग केस की और जो डिजाइन है ओवरऑल ईयरबड्स का, वो काफी अच्छा मुझे लगा। और इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आपको बेस हैवी आउटपुट पसंद है तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो ईयरबड्स है वो काफी अच्छे होंगे और आपको जरूर पसंद आएंगे। और बाकी अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो गेमिंग मोड भी आपको उसमें दिया गया है, तो विच इज अगेन वेरी गुड। तो अगर आप ढूंढ रहे एक बजट ईयरबड्स विद इन ईयर स्टाइल गेमिंग मोड के साथ, और अगर आपको बेस हैवी आउटपुट पसंद है, तो मुझे लगता है कि बर्ड्स VS401 एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।